मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर अजमेर के दौरे पर रहे और इस दौरान सबसे पहले वे जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की जनसभा में शामिल हुए। मंच पर सीएम अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारीगण भी मौजूद दिखे। आपको बता दें कि जोधपुर से सीएम अजमेर रवाना होंगे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनूवाला की चुनावी सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा। जोधपुर और अजमेर के चुनावी दौरे पर रहे सीएम अशोक गहलोत। जोधपुर में जहां वैभव गहलोत के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो वहीं अब वो अजमेर रवाना होंगे, जहां पे रिजू झुंझुनूवाला के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर और अजमेर दौरे पर रहे। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में उनको जिताने का सभी से आह्वान किया और साथ ही जनता को संबोधित किया। और साथ ही आपको बता देते हैं कि जोधपुर में जहां इस वक्त सचिन पायलट जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ही देर में मंच पर जनता को संबोधित करते नजर आएंगे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम और डिप्टी सीएम जोधपुर में वैभव गहलोत के समर्थन में पहुंचे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का अजमेर दौरा रहेगा, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रिजू झुंझुनूवाला के समर्थन में वो इस दौरे में शामिल होंगे और जनता से उनको जिताने की अपील करेंगे। इस वक्त जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद है। सचिन पायलट जहां जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी मंच पर वैभव गहलोत के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। जोधपुर और अजमेर दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री, और इसी के तहत आज जोधपुर और अजमेर दौरे पर हैं सीएम अशोक गहलोत, जहां इस वक्त जोधपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनता को संबोधित कर रहे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जनता को संबोधित करेंगे।